क्या स्टार्ट करें? ऑन है? ओके। एंग्री बर्ड 2 डायरेक्टेड बाय थ्रोप वैन ऑर्मन। ये एंग्री बर्ड मूवी की सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो फर्स्ट मूवी आई थी वो मैंने नहीं देखी थी, और ये जो मूवी है सेकंड, जो सेकंड पार्ट है एंग्री बर्ड 2 का, ये जब मैं गया था कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था कि भाई हाँ भी मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, कोई ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए, बस ऐसे ही कोई मूवी नहीं थी मेरे पास देखने को, तो मैंने सोचा क्यों ना एंग्री बर्ड 2 को ही देख लूँ। और जब गया इस मूवी को देखने, और सच में जो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, तो इसने बहुत कुछ, ऐसा होता है कि जब हम बिना एक्सपेक्टेशन के ऐसे कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है उस मूवी से, तो इस मूवी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी निकली है। अब बात करें स्टार्टिंग से, इसके फर्स्ट पार्ट से और इसके सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट, अगर आप लोगों ने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, नहीं। इस सेकंड पार्ट में बहुत सारे आपको फ्लैशबैक दिखा दिए जाएंगे कि हाँ फर्स्ट पार्ट में हुआ क्या था। इसके अंदर जो वॉइस डब की गई है, हिंदी जो डब की गई है, वो कपिल शर्मा और उनकी टीम ने उनको दिया है। जो मेन करेक्टर है रेड का, वो कपिल शर्मा ने खुद उनको डब किया है, और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो उनकी वॉइस है। जब ये सेकंड मूवी स्टार्ट होती है, इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बर्ड आइलैंड है और एक इस तरफ पिग आइलैंड है, और ये दोनों जो आइलैंड है वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि फर्स्ट मूवी में ये पिग जो आ जाते हैं यहाँ पे इस बर्ड आइलैंड पे, इनको बर्ड को मारने इनकी जमीन हस्तियाँ ने, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है कि इनके लिए एक अलग आइलैंड ले लेते हैं ये, और बर्ड के लिए एक अलग आइलैंड दे देते हैं। तो ये दो आइलैंड होते हैं, बर्ड आइलैंड और बिग आइलैंड, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और रेड नाम का एक करेक्टर है इसके अंदर जो बर्ड आइलैंड को बचाता है इस पिग आइलैंड से, उसकी यही ड्यूटी होती है, और उसके साथ उसके दो दोस्त होते हैं। ये जो रेड नाम का करेक्टर है, हमें इस सेकंड मूवी में दिखाया जाता है कुछ एक फ्लैशबैक से कि इसे डर लगता है, नफरत है, गुस्सा है कि ये अकेला ना हो, इसे अकेले रहने से गुस्सा आता है, इसे डर लगता है उस अकेले रहने से। इसके जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिखाया गया है कि ये अकेला था, इसके साथ कोई इसका दोस्त नहीं था, तो इसे उस चीज़ से नफरत हो गई थी। ये इस सेकंड पार्ट में भी इसको हमें दिखाया जाता है। अब ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को लेके क्या होता है कि ये फर्स्ट पार्ट में जब पिग जो है वो इसके आइलैंड पे अटैक कर देते हैं और ये पिग से अपने आइलैंड को बचाता है, तब ये सबकी नज़रों में हीरो बन जाता है, सब इसकी अप्रिशिएट करते हैं इसको, सब इसकी प्रशंसा करते हैं, तो उस चीज़ की इसको आदत हो जाती है इस सेकेंड मूवी में, और ये इतना खुश होता है कि इसके साथ इसके दोस्त बन गए हैं, और वहाँ पे जो बर्ड आइलैंड के जितने भी बच्चे हैं वो इस रेड के तरह सब बनना चाहते हैं, तो इसको एक ये अच्छी लाइफ लगने लग जाती है। अब क्या होता है कि इस मूवी के अंदर जब ये पिग आइलैंड, जब इनके दुश्मनी होती है, तो कुछ एक स्टार्ट होने के बाद इस मूवी के थोड़ी देर बाद पिग इनके पास एक लेटर लिखते हैं, इनको भेजते हैं कि भाई अब ये अपना जो वॉर है वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक शांति चाहते हैं इनके साथ। इससे दोनों के आइलैंड खुश होते हैं, दोनों आइलैंड खुश हो जाते हैं कि भाई अब लड़ाई नहीं होगी, अब वहाँ से कुछ नहीं आएगा, लेकिन रेड को छोड़कर, रेड इससे खुश नहीं होता, उसको अभी भी लग रहा होता है कि कहीं ये पिग की जो भी पिग आइलैंड है उनकी ये कहीं चाल तो नहीं है, वो इस चीज़ को लेके भी इनसिक्योर होता है कि अगर इन दोनों आइलैंड के बीच में अब शांति हो जाएगी तो उसका क्या होगा, कोई उसको याद नहीं रखने वाला है कि जो उसने किया इस आइलैंड के लिए, उसको सब भूल जाएंगे, ये उसके अंदर इनसिक्योरिटी बनने लग जाती है, और वो इनकी बातों पर विश्वास भी नहीं करता है, और इस चीज़ से उसका गुस्सा अंदर झलकता भी है कि वो गुस्सा है कि अगर वो शांति हो गई तो उसका क्या होगा, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, ये साफ इस मूवी में दिखाया जाता है। फिर ये पिग इनको पिग जो है वो रेड को समझाते हैं कि भी ऐसी बात है कि ये कोई तीसरा आइलैंड है जो इन दोनों आइलैंड को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि अगर वो तीसरे आइलैंड को ख़त्म कर दे तो ये फिर से हीरो बन जाएगा इन दोनों आइलैंड में। इसको अपनी अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करनी होती है, तभी एक टीम बनाता है, और इस टीम में एक नई फीमेल करेक्टर को ऐड किया जाता है, सिल्वर को। जो सिल्वर जो है इस टीम में, इस मूवी में बहुत ज़्यादा समझदार, ब्रिलियंट और बात को अच्छे से समझने वाली दिखाई गई है, बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छा करेक्टर डेवलप किया गया है इसके अंदर। और जब ये टीम बन जाती है, टीम बनने के बाद ये तीसरे आइलैंड की ओर निकलते हैं। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि अब की बार जब ये निकल रहा होता है अपने आइलैंड को छोड़ के, तब आइलैंड के जितने भी जो बर्ड्स हैं वो आते हैं इसके पास और रेड से पूछते हैं क्या हमें कोई ये आइलैंड छोड़ने की ज़रूरत है,
तब रेड इनको दिलासा देता है कि नहीं तुम्हें कोई भी आइलैंड, ये आइलैंड छोड़ने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है, वो उनके लिए ही है। एक दिलासा देते हैं ना कि यार तुझे ये सब किसकी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तो ऐसे ही वो दिलासा देते हैं, ये दिलासा दे के वो निकल जाता है उस आइलैंड से तीसरे आइलैंड की तरफ। अब इस चीज़ को समझने वाली बात यह है कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। जैसे इसमें अब जो है रेड इस बार ये इसलिए नहीं जा रहा होता कि उसे अपना आइलैंड बचाना है, इस बार वो इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसे अपनी इमेज बचानी है, उसे साबित करना है कि वो हीरो है। इस बार वो नहीं लड़ रहा होता अपने आइलैंड के लिए, इस बार वो नहीं लड़ रहा होता अपनी टीम के लिए, वो लड़ेगा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। ये अहंकार, ये घमंड उसके अंदर कैसे डेवलप हुआ, ये मूवी बहुत अच्छे से बताती है। ऐसा इंसान के साथ, ऐसा ह्यूमन करेक्टर के साथ भी होता है कि अगर हम कोई काम कर देते हैं, जनरली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अगर हम कोई काम कर देते हैं और हमें कोई किसी चीज का हीरो बना दिया जाता है, और फिर हमें इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि अगर यार ऐसा हो गया तो कहीं मुझे वो जो दर्जा पहले दिया जा रहा था, क्या वो दर्जा खत्म हो जाएगा। तो हम उस दर्जे को बचाने के लिए भागते हैं, ना कि अपनी टीम को बचाने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए वो चीज करते हैं। तो ये ऐसी मूवी है, हमें दिखाती है। अब काफी सारे मैंने रिव्यू देखे थे इस मूवी को लेके, तो कुछ एक जो रिव्यू करने वाले थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि इसमें एनिमेशन अच्छा है, इसमें जो डायलॉग डिलीवरी है वो अच्छी है, इसमें थोड़ा बहुत फनी है, ये ऐसा कहा कि मूवी आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा करके। देखो कहानी इसमें, हर एक मूवी की जो कहानी होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। पहली मूवी में जो मुझे देख के लगता है कि बहुत कुछ उसने सिखाया है, लेकिन इस मूवी में भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार पहले नहीं आता, पहले आता है तुम्हारा देश, पहले आती है, फिर आती है तुम्हारी दोस्ती या फिर तुम्हारी टीम, उसको पहले प्रोटेक्ट करो, अपने अहंकार अपने घमंड को साइड में रखो भाई। ये चीज़ हमें ये दिखाती है, और ये चीज़ रेड को रियलाइज होती है मूवी के लगभग लास्ट में जाके। तब वो माफ़ी भी मांगता है सिल्वर से कि सब उसका किया धरा है, कि उसकी वजह से ये सारे फंस गए उसके अंदर। अब ये बहुत एक बड़ी चीज़ हो जाती है कि हम अपने अहंकार को कैसे मारते हैं, अब हम अपने घमंड को कैसे मारते हैं, कि अपने घमंड को मारना इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, हमें उस सच को स्वीकार करना होता है कि ये सब भाई तूने किया है, ये सिर्फ सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ। ये स्वीकार करना बहुत हाई बात हो जाती है। और जब ये सब हो जाता है, वो अपने आइलैंड को बचा लेते हैं, जब वापिस जाते हैं तो सब बर्ड्स फिर से ये सोच रहे होते हैं कि ये सब जो है वो रेड ने किया है, और सारी भीड़ इकट्ठी हुई होती है और सब भीड़ के पीछे सिल्वर खड़ी हुई होती है। अब सिल्वर उदास होती है, उसको पता है कि उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तब कैसे रेड अपने उस घमंड को पीछे करके, उसे पता होता है कि जो उसे प्रशंसा, उसका जो नाम चिल्ला रहे हैं, उसे पता है कि ये वो उसको डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व उसकी टीम करती है, वो डिजर्व उस सिल्वर करती है। तो वो उस चीज़ को बताता है कि ये सब उसने नहीं किया, ये सिल्वर ने किया, ये उसकी टीम ने किया। और लास्ट में वो स्टैचू भी उन सब का बनाता है कि ये सब वो हीरो हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मूवी के अंदर, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने घमंड को मारना चाहिए, अहंकार को पीछे छोड़ना चाहिए, जब बात हो रही हो टीम की देश की, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। और जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं तो हम देखते हैं कि लोग हमें उस चीज़ से कम नहीं आंकते हैं, उसे हमें और ही अप्रिशिएट करते हैं कि भाई इस इंसान ने अपना घमंड त्यागा, इस इंसान ने अपना अहंकार छोड़ा है, ये और आगे आया है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि एनिमेशन बहुत अच्छी है, मूवी के अंदर डायलॉग बहुत अच्छे हैं, फनी डायलॉग हैं, हमें देख के वो हंसी भी आती है, और मूवी की स्टोरी अच्छी है। जो मूवी के बीच जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है, इन्होंने फेमिनिज्म को भी दिखाया है, फेमिनिज्म का भी इसमें जैसे सिल्वर को क्रेडिट देना ये सब दिखाया गया है इसके अंदर, बहुत अच्छी मूवी है। इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसे लगी, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, देखने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।